अध्याय 5। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नव युवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता के कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो तुम्हारी नाई परमेश्वर की चुनी हुई है और बाबुल में निवास करती है, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम से चुंबन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे।